हाय भाई लो, मैं हूं तुम्हारा डेविल के भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। लीदल फिंस्टूथ मैग 7 का नया लेजेंडरी गन स्किन फेडेड व्हील में अभी अवेलेबल है। मैग 7 का यह स्किन अनलॉक करूंगा और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर इसका एबिलिटी भी हम टेस्ट करूंगा। लीदल फिंस्टूथ मैग 7 का इस गन स्किन में आपको डबल रेंज सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन एंड एक्यूरेसी माइनस का एट्रीब्यूट्स मिलेगा। पहले हम गन अनलॉक करूंगा और इसके बाद इसका टेस्ट भी करूंगा। अगर चैनल में नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में एक मेंबर बनना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन में सेट करना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू इट। फेडेड व्हील का इंटरफेस में मैं आया, आपको इधर देख सकता है। पहले दो अनवांटेड आइटम्स रिमूव करना है मुझे। वह विंटरलैंड का लूट बॉक्स और क्रिस्टल शो का एक बैकपैक, ये दोनों मेरे साथ है, वो दोनों मुझे हटाना है। पर क्या करूं, बाइक हटाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए विंटरलैंड का लूट बॉक्स और पेट फूड ये दोनों मैंने सेलेक्ट किया और कंफर्म बटन प्रेस किया। हाई स्कूल के अंदर से मुझे सिर्फ मैक का स्किन चाहिए। पहला स्पिन फ्री है, पहला 0 डायमंड का फ्री स्पिन मैंने किया। क्या मिलेगा आप देखो, बैग नहीं, मैजिक फ्रैगमेंट्स मिला, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 9 डायमंड का सेकंड स्पिन मैंने किया, सेकंड स्पिन के अंदर कुछ ओके, समर ड्रॉप मिला, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 19 डायमंड का स्पिन मैंने मारा, कंफर्म बटन प्रेस किया। मेरे हिसाब से इस बार भी, नॉर्मली मुझे हर बार लास्ट में मिलेगा ग्रैंड प्राइस, इस बार भी ऐसा ही मिलेगा मेरे हिसाब से, देखना। अगर इसके आगे मिलता है तो मैं जरूर, क्योंकि लास्ट स्पिन करने के लिए 499 डायमंड्स मुझे खर्चा करना पड़ेगा। अगर इसके आगे मुझे मिलता है तो मैं उस 499-500 डायमंड्स के अंदर मैं एक और गिव अवे करूंगा। ओके, नेक्स्ट 99 डायमंड का स्पिन देख सकता है। ओके, मेरे पास वो बैग है 99 डायमंड के अंदर, मुझे जो बैग मेरे पास था वो एक और बार मुझे मिला 199 डायमंड का स्पिन। अरे ओके, मैंने बताया ना लास्ट में ही मिला, लास्ट 499 डायमंड्स का स्पिन के अंदर मुझे रेयर आइटम मैग 7 का लीदल फिंस्टूथ। यह एक ओपी गन स्किन है, देखने के लिए इसका एट्रीब्यूट्स कैसा है, सुनने के लिए अच्छा है, इसका टेस्ट भी हम अभी करूंगा, क्योंकि मैग का रेट ऑफर बहुत बढ़िया है। नॉर्मल शॉटगन से अलावा इसका रेट ऑफर मुझे पसंद है, डैमेज कम मिलेगा और अगर इसके रेंज बढ़ता है तो। पुराना M1887 है ना, पहले जब M1887 पहले आया वो हमको एक जैसे दूर दूर से फायर कर सकता था। यह अभी मेरे हिसाब से, आप इधर देखो, ये तो क्लोज रेंज फाइट है। ओके ओके, अभी इधर देखना मैं लॉन्ग रेंज में कैसे बंदे को मारूंगा, लॉन्ग रेंज नहीं देखो मीडियम रेंज में मैं कितना आसानी से बंदे को मार रहा है। इसका रेट ऑफ फायर इतना अच्छा है, इसका एट्रीब्यूट्स का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी इस गन का रेट ऑफ फायर अच्छा है, इसलिए इसका रेंज आने पर इसको ज्यादा खतरनाक तरीके हमको यूज कर सकता है। मैग का इस गन स्किन में आपको एक्यूरेसी कम मिलेगा, इसका थोड़ा परेशानी इधर उधर मुझे सामना करना पड़ा कि अगर आपके पास डायमंड है मैग 7 का कोई स्किन नहीं है तो आपको जरूर बाई कर सकता है। इतना टट्टी वाली स्किन नहीं है, नॉर्मल अच्छा है, एवरेज अच्छा गन स्किन है। इस गन स्किन अगर मैं 10 में रेट करता है तो मैं अराउंड 6-7 पॉइंट्स को दूंगा, रेटिंग 6 या 7 में दूंगा। अगर आपको फेडेड व्हील से यह खरीदना है, अगर आपको पहले नहीं मिला है तो आपको अराउंड 864-900 डायमंड्स के आसपास आपको इस गन स्किन रिडीम करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपके पास इस गन स्किन और मैका इस गन स्किन और वूको है तो आपको आसानी से एक पूरा स्क्वाड को आपको मार सकता है। आप इधर देखना, मैंने स्विच किया, एक और बंदा आया, वो भी गदम। मुझे यह गन स्किन अच्छा लगा, अगर आपको आपके पास इतना डायमंड है तो आपको जरूर बाई कर सकता है। ऐसा फ्री फायर रिलेटेड इवेंट्स एंड न्यूज के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना
सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑल में सेट करना। ऐसा फ्री फायर रिलेटेड एक और वीडियो के साथ मिलेगा। तभी तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।